देखते हैं हरियाणा जेई का, हरियाणा जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होने वाला था, 49 वैकेंसी जिसमें निकला था उसका अपडेट आया है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 11 मार्च को इसमें अपडेट किया था कि इसके जो एग्जाम होंगे वो 27 अप्रैल को होंगे और 28 अप्रैल को होंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्स का सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस से पहले देख लेते हैं कि ये कितने मार्क्स का है। ये जो टोटली जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इनका टोटली रिटेन बेस्ड है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। और इसमें जो रिटेन एग्जाम होंगे वो 90 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स जो है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस बेस्ड है। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 90 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ये 90 मार्क्स में क्या क्या सिलेबस आएंगे, जो पहले था वो 150 मार्क्स का होता था, यानी कि दो पेपर होता था 300 मार्क्स का, लेकिन अभी अब ये चेंज हो चुका है। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहेंगे। अब इन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन दिया था कि 27/4 को और 28 को 2 दिन एग्जाम होगा इसका, और ये 22 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो है 90 मिनट्स का एग्जाम होगा और 90 मार्क्स का, यानी टोटल 100 मार्क्स का है और 90 मार्क्स का जो एग्जाम होगा। और 10 मार्क्स तो डायरेक्टली ऐड होंगे जिनके क्या है एक्सपीरियंस जिनके पास है। और 75% वेटेज जो है इसमें क्या क्या आएंगे, सिलेबस क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस यानी जीके पढ़ लेंगे, फिर रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, और कंसर्न्ड और रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी कि जो भी डिसिप्लिन से जिसने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जैसे किसी ने अप्लाई किया होगा इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, मैकेनिकल से, तो उनका खुद का अपना सब्जेक्ट भी रहेगा, यानी कि जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और ये अपना खुद का सब्जेक्ट। और 25% वेटेज जो है उसमें हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इन्वायरमेंट है, कल्चर एंड हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर ये पूछेंगे, यानी कि 25% ही इसकी वेटेज होगी। और 75% में इसमें कुछ अपना खुद का डिसिप्लिन का हो गया और फिर ये मैथ, जीके, रीजनिंग हो गए। उसके बाद देख लेता हूँ कि जो अगर जैसे कि इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विच गियर, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ईएमटी, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, यूडब्ल्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके बाद जनरल एबिलिटी में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉन वर्बल, क्यूब्स, डायरेक्शन, विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर, नंबर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉग, ये सभी जो है ये टॉपिक है रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी के। उसके बाद जनरल स्टडीज में जो है इन्वायरमेंटल इशू होंगे, कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है हरियाणा से रिलेटेड, इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेंगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चर, हिस्ट्री, ये भी हरियाणा से भी रिलेटेड कुछ कुछ वर्ल्ड लेवल, कुछ इंडियन, इसमें ये सभी टॉपिक हैं। फिर राइट टू इश्यू है, फिर इंग्लिश में देख लेते हैं, इसमें प्रोनाउंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अनसीन पैसेज, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, टाइप ऑफ सेंटेंस और ये सारे चीज़ है, टेंस है। फिर एप्टीट्यूड में क्या है, टाइम एंड वर्क हो गया, जैसे रेगुलर हो गया, सर्किल, ग्राफ्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सभी टॉपिक हैं। और फिर जो देख लेते हैं कि जो और जब और सभी यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं जो भी सिलेबस है वो पहले वाले बता रहे हैं कि पहले जो होता था 150 मार्क्स का एक पेपर और एक 150 यानी 300 मार्क्स का होता था, जो कि अब की बार ऐसा नहीं हो गया। पहले हरियाणा जेई का जो है 2017 में होता था, 18 में होता था, लेकिन इस बार अब की बार चेंज हो गया है, अब की बार ये अलग होगा, यानी कि अब की बार 90 मार्क्स का होगा और ये होगा। इसको और डिटेल्स में देखने के लिए इस वाले आर्टिकल्स में आप दे सकते हैं जो कि 13/2/2018 को रिलीज हो गया था। और बाकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा। थैंक यू।